कैसा प्रैक्टिस कैसा रहा सर अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। आप जी? लोगों ने बहुत सर वो कोऑपरेट किया, सर मुनवर ने, आपने मतलब और हर चीज़ जो भी मैं पूछ रहा था उसी वक्त ही, मतलब उसी टाइम पे ही रिप्लाई दे, इतना तो मतलब कि बड़ी बात है। मेरे लिए तो बड़ी बात थी कि इतना मतलब कोऑपरेट करना, तो आप लोगों की मेहरबानी। इंशाल्लाह आप लोगों को रिजल्ट भी दिखाएंगे इंशाल्लाह बस काम करते रहो। इंशाल्लाह। कितने सप्लायर से आपने कांटेक्ट की? सर ये 2-3 सप्लायर थे जिन्होंने वो लिस्ट भेजी थी मुझे, जी तो उनमें से रात को मैंने बैठ के बहुत सी की, और कीपा भी आपने दिया तो उससे भी थोड़ा बहुत फिल्टराइज किया। तो अमेजोन तकरीबन तो अमेजोन उसमें था ही था प्रोडक्ट में, सही और जिसमें अमेजोन नहीं था तो उसमें वेरिएशंस इतनी थी, 8, 9, 10 वेरिएशन इतनी थी कि बंदा कंफ्यूज हो जाए कि कौन सी पिक करनी है कौन सी नहीं। सही है और सर। अगर कुछ कुछ की वेरिएशन नहीं थी तो उनका बाय बॉक्स जो था वो सही नहीं था, प्राइस वार चल रही थी और काफ़ी मतलब था सही। जी। और एनालिसिस में आप क्या क्या चीजें देखते हैं जब आप एनालिसिस करते हैं एक प्रोडक्ट की? सर मैं सबसे पहले ये देखता हूँ उनका BSR देखता हूँ, उसमें ब्रांड देखता हूँ कि सेलर कौन है और ब्रांड कौन है, उसके बाद ही डायरेक्टली मैं नीचे आ जाता हूँ कीपा में। कीपा का ग्राफ पूरा चेक करता हूँ कि उसका बाय बॉक्स की वो कैसे चल रही है, सेलर रैंक कैसे चल रहा है, ये पूरा ग्राफ चेक करके उसके बाद डेटा में आ जाता हूँ। बाय बॉक्स जो स्टेटिक्स हैं वो चेक करता हूँ, बाय बॉक्स कैसे रन कर रहा है, या सब सेलर्स को अपना हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो चेक करता हूँ। उसके बाद जो डेटा होती है उसमें भी चेक करता हूँ कि 90 डेज़ का क्या रैंक था, 180 का क्या रैंक था, तो पूरा मतलब सर ये चेक करता हूँ मैं। सही सही सही। सर सर भले आप बिस्मिल्लाह। तो मैं कह रहा था कि मैं आपको ये 10 फैक्टर जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं। जब आपको ये चीजें समझ आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप, आपको जो आते हैं तो वो तो आपको आते हैं, जो आपसे मिसिंग है वो आप पिक कर लेंगे। सही है। सही है सर। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पे करवाता हूँ तो आपको समझ भी आ जाएगी। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इसकी हम एनालिसिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें हमने सबसे पहले जो देखना है वो ये स्टेप्स ऐसे हैं कि जब आप स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 आते हैं ना, तो इसमें एक भी अगर मसला हो तो बाकी जो बाद में जो स्टेप्स हैं उसको छोड़ना होगा। सही है। फिर प्रोडक्ट की आगे एनालिसिस नहीं कर सकते हम। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, पहले हमने आना है कीपा में। कीपा में हम यहाँ पे बाय बॉक्स डेटा और बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक में आना है। यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे अमेजोन है कि नहीं या ब्रांड है कि नहीं इसमें। अगर अमेजोन होगा तो यहाँ पे अमेजोन का नाम, ये देखो अमेजोन इसमें आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है, 1% बाय बॉक्स इसको मिल रहा है। जब हम 90 डेज में देखते हैं तो यहाँ पर भी अमेजोन को 1% बाय बॉक्स मिलता है। इसको हम ऐसे देखते हैं कि अमेजोन को अगर 50% से ज्यादा बाय बॉक्स मिलता हो और सेलर्स को बाय बॉक्स रोटेट नहीं होता हो तो हम उस प्रोडक्ट को स्किप करेंगे। अगर अमेजोन एक प्रोडक्ट में है और 50% से उसको बाय बॉक्स कम मिल रहा हो और सेलर्स को भी बाय बॉक्स रोटेट होता हो तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो अमेजोन है ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये देखो आउट ऑफ स्टॉक भी है। 30 डेज से भी इसको बाय बॉक्स नहीं 1% मिला है, 90 डेज में भी इसको 1% मिला है और 180 डेज में इसको 2% मिला है। इट मीन्स कि अमेजोन इसमें आउट ऑफ स्टॉक है और हम ऐसे प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। ये देखो 90 डेज में ये बाय बॉक्स सही तरह रोटेट भी होता है, 30 डेज में भी ये रोटेट होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स इसकी अमेजोन की वजह से हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते।
सेकंड स्टेप क्या है, हमने यहाँ पे ब्रांड को देखना है कि ब्रांड इसमें है कि नहीं। यहाँ से हम ब्रांड का नाम उठा लेंगे हेस्ब्रो गेमिंग, और यहाँ पे हम इसका नाम देख लेंगे कि यहाँ पे ब्रांड है कि नहीं। तो अगर ब्रांड हुआ तो ये प्रोडक्ट हम रिजेक्ट कर लेंगे, सही है। इसका ये बाय बॉक्स रोटेशन जो आप देख रहे हैं, इसमें बाय बॉक्स रोटेशन जो है तो इसका मतलब कि यहाँ पे ब्रांड अवेलेबल नहीं है। अगर ब्रांड यहाँ पे होता तो ये बाय बॉक्स रोटेशन नहीं होता, 100% बाय बॉक्स ब्रांड को जाता। अगर इसमें रोटेशन है तो इट मींस इसमें ब्रांड नहीं है। ये हमारी दूसरी स्टेप हो गई। मेहताब भाई, ये चीजें अपने साथ कॉपी में लिख लो। जी जी सर, नोट कर रहा हूँ। जी, ये दो स्टेप हो गए, तो हम तीसरी स्टेप में हम जाते हैं मंथली सेल्स की तरफ। हम मंथली सेल्स देखते हैं कि इस प्रोडक्ट ये हमने सेलेक्ट किए, इसमें अमेजोन भी नहीं है, अमेजोन है लेकिन चलो वो बहुत कम बाय बॉक्स मिलता है। सेकंड स्टेप ब्रांड भी नहीं है, तो दो स्टेप में ये प्रोडक्ट पास हो गया। अब हम तीसरा स्टेप देखेंगे कि तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप हम मंथली सेल्स देखेंगे कि आया इस प्रोडक्ट का मंथली सेल्स कितना है। अगर इसका मंथली सेल्स हमारे एक्सपेक्टेशन से कम हुआ, अगर हम चाहते हैं कि इसका मंथली सेल ये हो और बहुत ज्यादा कम आ रहा हो तो इसको हम रिजेक्ट कर लेंगे। अगर इसका मंथली सेल्स अच्छा आ रहा हो तो फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। मंथली सेल्स देखने का तरीका यही है कि हम यहाँ पे डेटा में आएंगे, कीपा में डेटा में आएंगे और फिर प्रोडक्ट डिटेल्स में आएंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स में हम देखेंगे, ये देखो सेल्स रैंक करंट हमारे पास 17,000 है, 30 डेज एवरेज हमारे पास 16,000, और 60 डेज 14,000 एंड 12,000। हमने यहाँ पे किस बीएसआर को पिक करना है, हमने करंट को पिक नहीं करना, क्योंकि अगर हम करंट से मंथली सेल्स को देखेंगे तो हमें ये इशू आ सकता है कि शायद करंटली ये प्रोडक्ट जो है ये अच्छी तरह बिक रही है और 2-3 दिन बाद या 2-3 दिन पहले ये नहीं बिक रही थी। तो हमने करंट पे प्रोडक्ट की मंथली सेल्स को नहीं देखनी, हमने देखनी है 90 डेज एवरेज पर। 90 डेज पे भी आप देख सकते हैं, 60 डेज पे भी आप देख सकते हैं। तो हम उठा लेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, 90 डेज का बीएसआर उठा लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, FBA टूलकिट में हम देखेंगे। यहां पे हम FBA टूलकिट में देखेंगे कि इसका BSR कितना है। FBA टूलकिट में हम ये देखेंगे कि किस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है, तो उसी कैटेगरी में हम FBA में देखेंगे। तो ये हम यहाँ से देखेंगे कि ये 17,000 टॉयज एंड गेम्स का ये कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ से टॉयज एंड गेम्स कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा जो सेल रैंक है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या गया 20, ये अपने साथ लिख ले जरा। हमारी डेली सेल्स कितनी आ गई, 20। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो ये क्या आ गया, 600 मंथली सेल्स हमारे साथ आ गया। इस प्रोडक्ट का मंथली सेल्स हमारा कितना है, 600 है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इसका कम्पिटेटिव एनालिसिस हम देखेंगे। कम्पिटेटिव एनालिसिस कैसे देखेंगे, कम्पिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि इस प्रोडक्ट में सेलर्स कितने हैं और हमारी कंपटीशन के सेलर्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से थोड़ा नीचे आएंगे इस साइड पे, और यहाँ पे ये न्यू एंड यूज जो है ये 26 सेलर यहाँ पे है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने कंपटीशन की सेलर्स को उठाएंगे, यहाँ से हम फिल्टर्स लगाएंगे प्राइम का और यहाँ से न्यू का। प्राइम फिल्टर का मतलब ये है कि हम यहाँ से प्राइम सेलेक्ट करेंगे, तो प्राइम का मतलब यह है कि हमने FBA, हमें शो करो FBA सेलर, FBM के साथ हमारा काम नहीं है। तो हमें प्राइम टिक लगाएंगे, तो ये जो पेज है इसमें हमें FBA सेलर्स शो होंगे। और न्यू का मतलब जो सेलर्स न्यू प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यूज नहीं,
तो वो सेलर्स हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये 25 सेलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। जब मैं फिल्टर लगाता हूँ FBA पर, प्राइम पर और न्यू पर, तो यहाँ पे हमारे पास कितने सेलर्स रह गए हैं, 5 सेलर्स रह गए हैं। तो अभी हम इसका कंपिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे, ये यहाँ पे देखेंगे लोवेस्ट प्राइस कितना है। ये देखो 31.99 हमारा लोवेस्ट प्राइस है, 31.99 हमारा लोवेस्ट प्राइस है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में हम ये लिखेंगे 31.99 मल्टीप्लाई बाय, हम इसको 5% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अपने साथ लेको, इस फॉर्मूले को हम इसको 31.99 लोवेस्ट प्राइस को हम, ये मेरे ख्याल में लोवेस्ट प्राइस ये है 31.98 हमारा लोवेस्ट प्राइस है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5% के साथ, तो हमारे पास आ गया 1.59। फिर हम इसको प्लस करेंगे 31.98 हमारा जो लोवेस्ट प्राइस है उसके साथ दोबारा हम प्लस करेंगे। मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही होगी। जी जी सर, समझ आ रही है। प्लस क्या करेंगे, हमारा जो लोवेस्ट प्राइस है, लोवेस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 5%, जो आंसर आ गया हम इसको लोवेस्ट प्राइस के साथ प्लस करेंगे। सही सही है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये हमारा लोवेस्ट प्राइस 31.98 है और हमारा जो हाईएस्ट आ गया तो वो आ गया 33.57। अब ये जो हमारे पास दो प्राइसेस आ गए 31.98 और 33.57, इसके दरमियान जो भी सेलर आए इस प्राइस के दरमियान, तो वो हमारे कम्पिटेटिव सेलर्स कहलाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 30, ये भी हमारा कम्पिटेटिव सेलर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इसके 33.57 से ऊपर जो प्राइस लगा हुआ होता है तो हम इसको अपना कम्पिटेटिव सेलर नहीं मानेंगे, हम इसके बीच में जो भी सेलर आए हम उसको अपना कम्पिटेटिव सेलर मानेंगे। ये कितने सेलर आ गए, 1, 2, 3, 4 and 5। अब यहाँ पे हमारे पास 50 कम्पिटेटिव सेलर है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, ये स्टेप भी कम्प्लीट हो गया, 600 हमारा मंथली सेल्स आ गया। फोर नंबर स्टेप में कम्पिटेटिव एनालिसिस में हमारा 5 कम्पिटेटिव सेलर आ गए। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सेल्स इक्विटी को देखेंगे कि हम सेल्स इक्विटी, मेरे इक्विटी हम हिस्से को कहते हैं। समझ आ रही है आपको? जी जी सर, समझ आ रही है। सेल्स इक्विटी हम हिस्से को कहते हैं और सेल्स, हमारे सेल्स में हमारा हिस्सा कितना है। अगर ये प्रोडक्ट 600 बिक रही है, 600 यूनिट सेल्स हो रहे हैं, तो इसमें हमारा हिस्सा कितना है। अगर हम एज अ सेलर यहाँ पे आएंगे तो हमें कितना हिस्सा मिलेगा, तो हम इसको कैसे करेंगे सेल्स इक्विटी को, हम मंथली सेल्स, इस फॉर्मूले से हम सेल्स इक्विटी को निकालेंगे, मंथली सेल्स डिवाइडेड बाय कॉम्पिटिटिव सेलर्स प्लस 1 सेलर। ये लिख लिया आपने? जी सर, कॉम्पिटिटिव सेलर और प्लस 1। प्लस 1 मैं आपको समझाता हूँ, ये प्लस 1 हमने किया कैसे लिखा, मंथली सेल्स हम लिखेंगे, मंथली सेल्स हमारे पास कितनी है, 600 है, डिवाइडेड बाय कॉम्पिटिटिव सेलर्स। ये माइक थोड़ा बंद कर दीजिए, हमसे शोर आ रहा है। मंथली सेल्स हमारे पास कितने हैं, 600 है, कॉम्पिटिटिव डिवाइडेड बाय कॉम्पिटिटिव सेलर्स हमारे पास 5 है, प्लस 1 क्या है, 1 हम अपने आप को कंसिडर करते हैं। लाइक 5 सेलर्स तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे कंपटीशन में है, जब हम इसमें लिस्टिंग करेंगे, ये प्रोडक्ट हम भी लिस्ट कर ले, तो हम भी एक सेलर ज्यादा हो जाएंगे, तो ये कितने सेलर्स हो गए, 6 सेलर्स हो गए। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, मंथली सेल्स डिवाइडेड बाय कॉम्पिटिटिव सेलर प्लस 1, प्लस 1 जब हम इस प्रोडक्ट में आएंगे तो हम अपने आप को कंसिडर करते हैं कि जब हम आएंगे तो ये 6 सेलर हो जाएंगे। तो इक्वल टू इससे आंसर क्या आता है, 600 डिवाइडेड बाय 5 सेलर प्लस 1, 6 सेलर डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा सेल्स इक्विटी कितना आया, 100। मतलब बाय बॉक्स रोटेट होता है,
रोटेट होता है, तो अगर हमारा प्राइस 331.98 लोवेस्ट प्राइस की तरफ हो तो हमारा बाय बॉक्स हमें ज्यादा मिलेगा। अगर हमारा प्राइस लोवेस्ट प्राइस यानी 33.57 की साइड पर ज्यादा हो तो हमें बाय बॉक्स कम मिलेगा। अब ये 100 मैंने क्या लिखा, ये मैंने अपना सेल्फ इक्विटी लिखा कि बाय बॉक्स रोटेट होता है, 6 सेलर्स है तो हमें कम से कम 100 सेल्स तो मिलने चाहिए। अब इस ये 100 जरूरी नहीं है कि हमें 100 सेल्स मिले, ये अभी डिपेंड करता है कि हमारा प्राइस जो है, हमने जो प्राइस लगाया है वो लोवेस्ट के साइड पे लगाया है या हाईएस्ट प्राइस के तरफ लगाया है। अगर हम जितना करीब लोवेस्ट प्राइस की तरफ आएंगे तो हमें बाय बॉक्स की चांसेस है कि ज्यादा मिले। अगर हम हाईएस्ट प्राइस की तरफ अपने प्राइस को लगाएंगे, यानी हम यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस है 33.57, अगर हम 33 लगाएंगे 32 लगाएंगे तो हमें चांसेस है कि हमें बाय बॉक्स थोड़ा कम मिले। तो यहाँ से हमने ये 100 जो निकाला ये एहतियातन निकाला कि अगर हम इसमें लिस्टिंग करेंगे तो एवरेज सेल्स हमें मुझे कितना आएगा, तो ये हमें एक अंदाजतन एक सेल्स इक्विटी आ गई। अब इसके बाद हम करेंगे, हमारे पास मंथली सेल्स भी आ गई, कंपिटेटिव सेलर्स भी आ गए और हमारे पास सेल्स इक्विटी आ गया, अंदाजतन हमें 100 सेल्स मिल रही हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, फाइव नंबर हो गया। अब 6 नंबर पे कि स्टॉक एनालिसिस क्या है, स्टॉक एनालिसिस अब हम करेंगे। यहाँ पे मंथली सेल 600 हो रही है, 600 यूनिट बिक रहे हैं और हमें इसमें 100 हिस्सा हमें मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट एफबीए के साथ अमेजोन में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ये आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं है या ज्यादा अवेलेबल है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये कॉम स्टॉक डीएस ओएसडॉन से हम क्या देखेंगे, इसकी स्टॉक देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे हम। अगर हमें यहाँ पे एफबीएम की ये जो यूनिट्स दिखाएंगे कि एफबीएम के साथ कितने हैं, 500 है, 600 है, 700 है, तो हम इस पे इसलिए भी ट्रस्ट नहीं करते कि एफबीएम अपने डायरेक्टली एक हिंसा लगाता है कि मेरे पास 100 यूनिट्स है, लेकिन उसके पास यूनिट्स नहीं है क्योंकि अमेज़न को तो पता नहीं होता कि इसके पास कितनी यूनिट्स है, तो हम यहाँ इस पे भरोसा नहीं करते। अब यहाँ पे क्या आ गया, एफबीए के साथ कितने स्टॉक अवेलेबल है, 4 स्टॉक अवेलेबल है। तो अब इससे हमारी मंथली सेल 600 हो रही है, स्टॉक अवेलेबल कितने हैं, 4 स्टॉक अवेलेबल है, तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि हमारे पास 600 सेल्स हो रही है माइनस 4 यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये कितने आ गए, 696। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 596 प्रोडक्ट्स की नीड है अमेज़न में, यहाँ पे बायर्स आते हैं 600 और प्रोडक्ट्स अवेलेबल है 4। मैं आपको एक एग्जांपल की से समझाता हूँ, हम एक कमरे में बैठे हैं, हमारे कमरे में 600 लोग बैठे हैं, 600 लोगों को एक एक पिन की जरूरत है, सारे लोगों को, तो यहाँ पे इस रूम में 600 पिन की जरूरत है, लोग 600 पेन बाय करना चाहते हैं, और मेरे पास, मैं एक सेलर बैठा हूँ, मेरे पास 4 पिन अवेलेबल है। अगर हमारे पास, मेरे पास 4 पिन अवेलेबल है तो वो तो जल्दी बिक जाएंगे क्योंकि 600 लोगों को इसकी जरूरत है, तो 4 पिन तो उसी वक्त बिक जाएंगे। लेकिन अगर मेहताब भाई आए और उसके पास 200-300 पिन होंगे, अगर वो इस रूम में एंटर करेंगे तो उसी वक्त इससे ये सारे पिन बिक जाएंगे क्योंकि ये इसकी लोगों की जरूरत है, लोग बाय करना चाहते हैं लेकिन स्टॉक अवेलेबल नहीं है। सही है, समझ आ गई इस एग्जांपल की। जी बिल्कुल जी, सही, तो स्टॉक एनालिसिस हम इसलिए करते हैं। मैं ये कीपा पे मैं थोड़ा यकीन नहीं करता, ये कीपा की ऑफर्स पे, तो चलो ये भी देखते हैं कि इसमें कितना स्टॉक अवेलेबल है। टूल्स पे, एक टूल्स पे भी हमें भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि टूल्स हमें 80% 70% डेटा करेक्ट देता है और बाकी जो 30% 20% ये मैं भी गलत गलत भी हो सकता है, टूल्स पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है 486, कीपा कह रहा है कि हमारे पास 486 स्टॉक अवेलेबल है। बाय बॉक्स में भी हम देखते हैं कि कितना स्टॉक अवेलेबल है, ये देखो 2 3 4 5
ये 291 ये स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में यहाँ से हम पिक करेंगे कितना अवेलेबल है, 486। तो 600 से हम माइनस 486 करेंगे, तो ये कितने स्टॉक हमें नीड है, 600 माइनस 486 114 स्टॉक हमारे पास इसकी जरूरत है। अगर हम इस मंथ 114 या 100 स्टॉक अमेज़न को बेच देंगे तो इसी मंथ हमसे ये सारे स्टॉक बिक जाएंगे, क्योंकि लोगों को जरूरत है और सेल्स कम हो रही है, सेल्स ज्यादा हो रही है और प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। स्टॉक एनालिसिस की समझ आ गई? जी सर बिल्कुल। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। हमने क्या किया, अमेज़न अवेलेबल है कि नहीं है, ब्रांड है कि नहीं है, मंथली सेल्स भी देख लिए, कंपिटेटिव सेलर्स भी देख लिए, सेल्स इक्विटी भी निकाल लिया कि कितना हमें हिस्सा मिलेगा, स्टॉक एनालिसिस भी कर ली। अब हम करेंगे अमेज़न, अब हम वेरिएशन की तरफ आएंगे। वेरिएशन को हम किस तरह चेक करेंगे, वेरिएशन को हम, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वेरिएशन हम अगर किसी प्रोडक्ट में वेरिएशन अवेलेबल हो तो यहाँ पे डेटा के बाद हमें एक वेरिएशन का ऑप्शन मिलेगा। चलो मैं दूसरा प्रोडक्ट उठा लेता हूँ जिसमें वेरिएशन हो। हमारे 6 स्टेप हो गए, अब 7वां स्टेप हमारा क्या है, वेरिएशन का, कि हम इस प्रोडक्ट में वेरिएशन देखेंगे। अगर हम इस वेरिएशन को भूल गए और हमने कम वैरायटी सेल्स वाले प्रोडक्ट को उठा लिया तो वो हम नहीं सेल कर सकते, वो हमारे पास वेयरहाउस में पड़े रहेंगे और सेल नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये देखो ये वाली प्रोडक्ट, हम यहाँ पे वेरिएशन में इसको निकालेंगे ये, और यहां से हम मूव करेंगे थोड़ा, ये देखो ये, तो ये कितनी परसेंट बिक रही है, 96% बिक रही है। इट मींस कि इसकी सेल्स अच्छी आ रही है। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स 600 है, 600 मंथली सेल्स है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएशन से, वेरिएशन परसेंटेज से, तो ये कितने हैं, 96%। तो इसका आंसर हमें कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 96%, तो ये 576 हमारे पास बिक रहे हैं। ये प्रोडक्ट मंथली सेल्स इसका कितना है, 576। मैं वो 600 मंथली सेल्स मैंने दूसरे प्रोडक्ट की उठा ली, क्योंकि इसकी मंथली सेल्स मुझे मालूम नहीं है तो मैंने उसको उठा लिया। तो ये हमारे पास, इसको हम इस तरह करेंगे कि मंथली सेल्स मल्टीप्लाई बाय वैरायटी का जो परसेंटेज है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मंथली सेल्स के साथ। तो मंथली सेल्स फॉर एग्जांपल 600 है, तो मल्टीप्लाई बाय 96% जो आंसर आएगा, तो वो हमारे पास वैरायटी सेल्स आएंगे कि इस वैरायटी का मंथली सेल्स इतना है। अगर हम गलती से भी, फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, पैक ऑफ टू का, इसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं गलती से ये वेरिएशन छोड़ दूँ, ये वेरिएशन मैं ना देखूँ, तो इससे हमें क्या नुकसान मिलेगा, हमने प्रेप सेंटर को ये वाली प्रोडक्ट भेज दी है, अपनी लिस्टिंग भी ये वाली प्रोडक्ट कर ली है, हमने वेरिएशन को नहीं देखा है। तो हम जब इस प्रोडक्ट में आएंगे, सेल्स आएंगी, तो हमें एक भी सेल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0% बिक रहे हैं ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बिक नहीं रही है। तो वेयरहाउस हमें, अमेज़न हमसे स्टोरेज फीस भी लेगा और हमारी आईपीआई जो अकाउंट हेल्थ है उस पर भी असर पड़ेगा, वो भी कम होता जाएगा, क्योंकि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट की है जिसपे ना सेल्स आ रही हो, उसने अमेज़न का स्पेस भी लिया हुआ है और वो सेल भी नहीं हो रही है, तो उसका जो सेल रेट है वो कम होता जाएगा और आईपीआई जो अकाउंट हेल्थ है वो कमजोर होता जाएगा इसी वजह से। तो हमने इसको, इस पर भी गौर करना है कि हम ऐसे प्रोडक्ट को उठा ले जिसकी वेरिएशन सेल ज्यादा हो रही हो। ये स्टेप भी हो गया, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, 8 नंबर स्टेप की तरफ। हमने 8 नंबर स्टेप जो है वो पैकेज क्वांटिटी है, हम पैकेज क्वांटिटी को कैसे सेलेक्ट करेंगे और पैकेज क्वांटिटी हम कैसे लेंगे। ज्यादातर होलसेलर या सप्लायर्स ऐसा करते हैं कि वो हमें चीजें पैक ऑफ 1 में देते हैं। पैक ऑफ 1 ऐसा होता है कि
हमारे पास एक पेन होता है, मेरे मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही होगी पैकअप पेन हम किसे कहते हैं। हमारे पास एक पेन है और अमेजोन में भी ये एक पेन का बिक रहा है, तो इसका मतलब है पैकअप वन। अगर हम दो पेन लगाएंगे इकट्ठे बेचें, जब एक क्लिक आए एक सेल आए तो हम कस्टमर को दो पेन भेजे, तो इसका मतलब है ये पैकअप टू है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इस प्रोडक्ट को कोई बाय कर ले तो इस कस्टमर को ये दो प्रोडक्ट्स भेजी जाएंगे, एक सेल पे दो प्रोडक्ट भेज जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं पैकअप टू। तो ये ज्यादातर होलसेलर या सप्लायर हमें पैकअप वन में देता है, और अमेजोन पे ज्यादातर चीजें पैकअप टू, पैकअप थ्री, पैकअप फोर, पैकअप सिक्स में सेल होते हैं। तो हमें यहाँ पे भी ख्याल रखनी चाहिए कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, हम इसकी कैलकुलेशन करें कि ये प्रोडक्ट है हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट हमें पैकअप टू में मिल रहे हैं और इसका प्राइस है फॉर एग्जाम्पल $3 प्राइस है, तो हम यहाँ पे 3 डालेंगे। ये पैकेज क्वांटिटी स्टेप नंबर 8 है और अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर स्टेप नंबर 9 है, हम इसको भी देखेंगे। तो पैकेज क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल हमें 3 में मिल रही है और हम मिसेलिनियस कॉस्ट 1 डालते हैं कि $1 इस पे खर्च आता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें $10 प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट अमेजोन पे पैकअप टू में बिक रही है तो हम यहाँ पे पैक $6 डालेंगे, और यहाँ पे टू पैक है तो हम यहाँ पे $2 मिसलिनियस कॉस्ट यानी प्रेप सेंटर वगैरह सारे शिपिंग कॉस्ट ये हम 2 डालेंगे क्योंकि 2 प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे तो पहले तो यहाँ पे $10 प्रॉफिट आ रहा था, अभी हमारे पास $6 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट हमें $6 की एक मिल रही है, हम एक $6 लेंगे, $1 इस पे कॉस्ट आएगा, तो हम खुश हो जाएंगे कि यहाँ पे हमें $7 का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन हम सप्लायर हमें पैकअप वन दे रहा है और अमेजोन पे हम पैकअप टू बेच रहे हैं, तो हम इसको प्लस करेंगे, यानी ये हमें एक सिक्स का मिल रहा है तो हम इसको सिक्स जमा सिक्स 12 करेंगे, और इसको हम पैकअप टू है तो 2 की कॉस्ट आएगी तो हम यहाँ पे 2 डालेंगे। तो ये देखो हमारे पास ये प्रॉफिट खत्म हो गया, तो इसको भी आपने जरूर देखना है। और अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे एसएन डालेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसी इंटरफेस आएगा, सर्च करेंगे यहाँ पे कंट्रोल, हम कंट्रोल वी जो हमारा एसएन यहाँ पे पेट करेंगे तो सर्च करेंगे, तो ये हमारे पास अमेजोन पे जी जितने का सेल हो रहा है तो ये हमारे पास वो प्राइस शो हो गई कि ये अमेजोन पे इतने का बिक रहा है, ये अमेजोन पीसेस ले रहा है इस पे। ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल, रेफरल फी, फिक्स क्लोजिंग, वेरिएबल क्लोजिंग फी, ये सारे आपको दिखाई देंगे। फुलफिलमेंट कॉस्ट की अमेजोन ये चार्ज करता है, स्टोरेज फीस एक प्रोडक्ट पे ये चार्ज कर रहा है। हाँ, तो हम हमारे पास ये ये देखो 22 पे बिक रहे सेल हो रहा है और ये $14 प्रॉफिट कर रहा है, तो हम इस पे ये अमेजोन हमने जिस ये प्रोडक्ट को बाई की है तो उसकी कॉस्ट हम यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमें 5 का मिल रहा है, यहाँ पे ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम यहाँ पे कॉस्ट डालेंगे, और ये मिसलिनियस कॉस्ट जो है ये हमारे पास आएगी, ये प्रिप्स वाली कॉस्ट हमारे पास आएगी शिपिंग कॉस्ट, तो हम एहतियातन यहाँ पे 1 डालेंगे, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट शो होगा और यहाँ पे हमें नेट मार्जिन शो होगा। और लास्ट स्टेप जो है, हम लास्ट स्टेप क्या करेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था इसके बारे में, हम यहाँ पे देखेंगे ये देखो हम इस प्रोडक्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फिल्टर लगा होता है, तो ये देखो टॉप रिव्यू यहाँ पे क्लिक करें, ये यहाँ पे करें मोस्ट रीसेंट, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमने 1 महीने की रिव्यूज उठाने हैं कि 1 महीने में इस प्रोडक्ट पे कितनी रिव्यूज आए हैं, तो ये देखो।